इससे नकारात्मक स्थिति बढ़ती है। इसलिए घरों से लेकर वन विहार तक, जंगलों तक, मठ मंदिरों तक हमारे यहाँ स्तुति करने की ही बात कही गई है, प्रार्थना करने की ही बात कही गई है। इससे जनमानस का कल्याण होता है। कितनी सुंदर बात है, सत्यवादी समाधिस्ता साथी दुष्टों का कार्य कह, जिन्होंने सत्य का आचरण करके अपनी इंद्रियों को अपने बस में करके और परेशानियां सहकर जिन महापुरुषों ने तीर्थों में भजन किया, स्तुति की है, तप किया है, तो जैसे सूखा गीला आग में सब भस्म हो जाता है, पापी से पापी व्यक्ति भी जब तीर्थों में जाता है तो महात्माओं की उस तप रूपी अग्नि का संपर्क पा करके जीव के पाप समाप्त हो जाते हैं। इसलिए यात्रा की बात, इसलिए प्रभु श्री राम जी ने महर्षि वाल्मीकि जी को पूछा था हम कहां रहे, तो महात्मा जी ने कहा जो तीर्थों में वास करते हैं उनके हृदय में आप रहिए। भगवान सबके हृदय में नहीं रह सकते, क्योंकि पापी के हृदय में तो वो रह ही नहीं पाएंगे। तो ये नहीं कहा कि सबके हृदय में आप वास कीजिए, वो सबके हृदय में वास नहीं करते, वो हनुमान जैसे भक्तों के हृदय में, हनुमान जैसे संतों के हृदय में वो वास करते हैं। रामायण में तो लिखा है, प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान गुण जास हृदय आगार। राम जी हनुमान जी के हृदय में वास करते हैं। हनुमान जी ने लंका को जलाया, लंका अपराधों को जो जिंदगी में से जला करके खाक कर देते हैं, उनका हृदय पावन निर्मल पवित्र हो जाता है। और जिनका हृदय निर्मल हो जाता है उसी हृदय में भगवान आकर के बैठ जाते हैं। ऐसा कुछ नियम सा बना लीजिए कि पिकनिक की तरह नहीं, एक अपना भजन आराधना साधना बढ़ाने के लिए साल में एक आध बार तीर्थ में जाइए। घर में आप रह रहे हैं, तीर्थ में रह रहे हैं, अंतर ही नजर नहीं आता। तीर्थ में आप जाएं, वेशभूषा ठीक हो, बढ़िया हो, खान पान ठीक ठाक हो, फिर तीर्थ में एक महीना नहीं एक ही दिन आप रह के आ जाते हैं तो वो तीर्थ कल्याण कर देता है। जहां तक बने तीर्थों में, यदि आश्रमों से आप जुड़े हैं तो आश्रमों में ही रहिए। आश्रमों की वाइब्रेशन बहुत बढ़िया है, वहां की जो ऊर्जा है वो बड़ी अद्भुत है। जहां वहां हवन होता है, कीर्तन होता है, उसकी जो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है वो बड़ी ग्राही है, वो बहुत ज्यादा अपने आप में विशेष है। बताते हैं कि यदि किसी को दमा की बीमारी है, दमा सांस की बीमारी है, ऐसा व्यक्ति गौ माता जहां अपनी नासिका से श्वास छोड़ती है उस श्वास को ग्राह्य करे, 3 महीने में जड़ से दमा की बीमारी खत्म हो जाएगी। तो गौ माता के अंदर से जो वो हवा वायु वो निकल रही है वो उस रोग के लिए बड़ी घातक है। उसी प्रकार से जब हम आश्रमों में महापुरुषों के सानिध्य में जाकर के हम बैठते हैं तो उनकी जो वाइब्रेशन है वो उसमें इतना बड़ा उसका प्रभाव है, उसका स्पर्श पाते ही हमारे माथे के विचार बदल जाते हैं उसका स्पर्श पाकर। इसलिए पहले गुरुजनों के पास आश्रमों में तीर्थों में हम जाते थे। मैं अभी किसी ग्रंथ में भगवान नर्मदेश्वर की महिमा पढ़ रहा था, शंकर जी के शिवलिंग की महिमा पढ़ रहा था कि ये नर्मदेश्वर का जो पाषाण है इस पत्थर में एक ऐसी करामात है, जैसे ही व्यक्ति का हाथ इसके ऊपर टच होता है तो पूरी ऊर्जा उसकी पूरी बॉडी में घूम जाती है। कभी भी आप शिव की प्रतिमा को, इसको पिंडी को स्पर्श करना, तो इसको छूते ही माथे का विचार बदल जाता है। चाहे उनको आप स्नान कराते समय, फूल चढ़ाते समय, जल चढ़ाते समय, उसको आप, मैं तो कहूंगा किसी भी देवी देवता की प्रतिमा को आप स्पर्श करें। भगवान को पंचामृत से क्यों मिलाया जाता है, दूध दही शहद घी इत्यादि से इनको नहलाया जाता है, पंचामृत इन पांचों को अमृत कहा गया है। जब इससे हम भगवान को नहलाते हैं तो उस प्रतिमाओं में एक विशेष रूप की एक शक्ति उसमें प्रकट होती है, और जब उसको हम छूते हैं तो उसी समय हमारा नकारात्मक जो भाव है वो तत्काल हमारा समाप्त होता है। इसलिए पूर्व में हम महापुरुषों को, गुरुजनों को पढ़ते हैं, बताते हैं कि मीराबाई ने भगवान गोपाल का सानिध्य पाकर के ही अपने जीवन का परिवर्तन कर दिया था, उनका जीवन ही बदल गया था। और मैं उस मीरा की बात कर रहा हूँ
जो श्री द्वारका में जाकर के जो नृत्य किए, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, मेड़ता की मीरा। और जब वो श्री द्वारका जी में पहुंची, ये सबके मुंह से आवाज नहीं निकल सकती, नकली कोई बोल दे। अब आप यहाँ बोले मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, अब आप ये बोलेंगे तो मैं आपको कहूंगा कि कल सुबह 7 बजे चलो वृंदावन सर, जब दूसरों ना कोई तो चलो फिर वृंदावन। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, कहते मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, अब हमारा कोई नहीं है, गोपाल है तो चलो वृंदावन गोपाल बिहारी जी के पास। कोई नहीं जा पाएगा कि आवाज यहां से नहीं है, नाभि से नहीं है, क्या तो बुलवाया जा रहा है। मीरा से बुलवाया नहीं गया था, मीरा के अंतस्थ से अपने आप ये आवाज फूटी थी। जो मीरा ने शब्द बोला है दुनिया के इतिहास में मीरा से पहले कोई नहीं बोल पाया। यदि बोल पाया हो तो कोई बताए, कहीं कोई लिखा हो मिले।